हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और अपनी केबीएस पीआरटी इंटरव्यू 2023 की काफी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो मैं सिसिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ और मैं जैसा कि ऑलरेडी आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस और ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीजें, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, मैं सब इधर उधर की बातों से करने से अच्छा है कहीं लाख गुना कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो केवीएस इंटरव्यू 2023 में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम्स में कुछ ऐसे सिचुएशंस दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे पूछ दिए जाते हैं इंटरव्यूअर्स के द्वारा, जिसका कोई सटीक आंसर नहीं होता है, ठीक है। आपको खुद के आइडियाज, खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे काम करता है, तो उन्हीं सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मुझसे आइडियाज लीजिए, मुझसे गाइडेंस लीजिए, बाकी उसको खुद के वर्ड्स में लिखिए और खुद को खुद से शब्दों में प्रिपेयर करिए उस सब चीज को, ठीक है। रटा रटाया हमें नहीं बोलना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू क्वालिफाइड फॉर दिस टीचिंग पोजीशन, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब समझिए कि इस शैक्षिक पद के लिए, जो आप केवीएस में पीआरटी के टीचर होने जा रहे हैं, इस पद के लिए आप खुद को कैसे योग्य मानते हैं या खुद को योग्य कैसे पाते हैं, कि क्या योग्यताएं हैं आपके अंदर, क्या स्किल्स हैं जो इस पद के लिए आप सुटेबल हैं। तो आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, जरा सा सोचिए कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें इधर उधर आ रही होंगी, इसका सटीक जवाब क्या होगा, इसका आंसर्स कैसे दें, इसका आंसर होगा क्या। तो इसी को हम सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। जब हमारे सामने कोई परिस्थिति रख दी जाती है और हमें अपने व्यूज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्कशन इधर उधर की बातों में परेशान रहने से अच्छा है कि अपनी केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब आइए इसका डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि पता है कि सबसे पहले हम पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो पीआरटी से रिलेटेड ही चीजों को हमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या बताएंगे, अगर कोई भी स्टूडेंट होगा सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि मेरे पास बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो इस पद के लिए मान्य है, तो इसलिए मैं एलिजिबल हूं। तो ये तो सब बोलेंगे, बट आपको यूनिक बोलना है, ठीक है, कैसे बोलना है। तो टेल अबाउट योर टीचिंग स्किल्स, बिल्कुल यहाँ पर हमें अपने टीचिंग स्किल्स, जो भी हमारे अंदर टीचिंग स्किल्स हैं, टीचिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस हैं, टीचिंग की हमारी जो क्वालिटीज हैं, जैसे हम बच्चों को कितना किसी चीज को आसानी से समझा सकते हैं, वेरियस टेक्निक्स क्या है टीचिंग की हमारे पास, ऐसी स्किल्स क्या है कि जो हम बच्चों को कम समय में अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो जैसे स्किल्स में क्या करेंगे, टीचिंग स्किल्स में क्या डिस्कस कर सकते हैं आप, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग, बिल्कुल, जो आपके पास क्या कहते हैं उसको, बहुत कई तरीके से किसी चीज को समझाना, ठीक है, उसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, ठीक है। आप किसी एक कॉन्सेप्ट को कई तरीके से बच्चों को समझा पाते हैं, क्या ये स्किल क्वालिटीज है आपके अंदर, क्या ये स्किल्स है, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा बात करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट लर्नर्स, बिल्कुल हमें हमेशा पॉजिटिव रहना अपने लर्नर्स के खिलाफ, लर्नर्स के अगेंस्ट में, या बच्चों को लेके, ठीक है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। एक छोटे छोटे कक्षा 1 का बच्चा वो क्या जानता है, तो हमें उनके लिए पॉजिटिव रहना है। हो सकता है वो ऐसी एक्टिविटीज करे, ऐसी हरकतें करे जो आपको पसंद ना आए, बट फिर भी उन निगेटिव सिचुएशंस में हमें पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो आप इसको डिस्कस करिए उसमें। वही बात करते हैं, आई कैन क्रिएट फ्लेक्सिबल, फियरलेस एंड कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट, बिल्कुल, मतलब मैं कक्षा को क्या फ्लेक्सिबल बना सकता हूँ। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि सभी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। हर टाइप का बच्चा, चाहे वो मंद बुद्धि वाला हो, चाहे वो बच्चा विकलांग हो, वो चाहे धीमे सीखने वाला बच्चा हो, चाहे वो दूर से देख पाता हो नहीं देख, तो मैं क्लास को फ्लेक्सिबल बना सकता हूँ, ठीक है, अपने लर्नर्स के लिए, और क्लास को कंडीशन क्लासरूम एनवायरमेंट बना सकता हूँ, ठीक। ऐसा एनवायरमेंट जिसमें सभी बच्चे आसानी से पढ़ सके, वो चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उसको कंडीशन एनवायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड लर्नर्स डिफरेंट नीड्स, लर्निंग पैटर्न्स एंड उसकी साइकोलॉजी, बिल्कुल हम
एज अ टीचर हम बच्चों के क्या बच्चों को समझ सकते हैं, बच्चों के अंदर क्या चीजें की कमी है, बच्चा कब क्या रेमेडियल टीचिंग की कब बच्चों की जरूरत है, कब किस चीज की बच्चों की आवश्यकता है, हम इनको आसानी से समझ सकते हैं, उसी के बच्चों के पैटर्न्स को समझ सकते हैं और बच्चे के साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। क्योंकि हम पेडागॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें बच्चे को बच्चे के बारे में पता चले, बच्चा कब क्या चाहता है, बच्चा कब क्या सीखेगा, बच्चे को कब क्या किस चीज की जरूरत होती है, बच्चा कैसे सीखेगा, धीरे बच्चा सीख रहा है तो उसको जल्दी में उसको आसानी से कैसे चीजों को बनाया जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने अंदर स्किल्स को इंटरव्यूअर के सामने अपने जो भी स्किल्स हैं टीचिंग से रिलेटेड उसको हमें प्रदर्शित करना है। और उसके आगे और चौथा पॉइंट में डिस्कस करता हूं, आई कैन मैनेज इंक्लूसिव क्लास बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स एवरी लर्नर्स एज पर एज हिज हर ऑन पेस। बिल्कुल, मैं मैनेज कर सकता हूं कक्षा इंक्लूसिव, ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के बारे में आपने पढ़ा कि हर सभी बच्चे के लिए समान शिक्षा मैं दे सकता हूं, ठीक है, और उनके पेस के अकॉर्डिंग बच्चा जिस गति से सीखेगा मैं उस गति से सिखाने में सक्षम हूं बच्चों को। तो ये सारी स्किल्स हो गई, ये सब सारी क्वालिटीज हो गई हैं, ठीक है, तो जो हमें डिस्कस कर सकते हैं कि इस पद के लिए हमारे अंदर क्या ऐसी योग्यता है कि जो हम चुने जाएं, जो हम इस टीचर के लिए इस पद पर एलिजिबल हैं। आई होप सो इसका आपको आंसर मिल गया होगा। इसी आंसर्स का जवाब आप अपने वर्ड्स में लिखिए और अपने आइडियाज पे लिखिए, कई सारी जगहों से सर्च कर लीजिए, जहां से आपको मिले अच्छे पॉइंट्स को क्रिएट करिए, कम शब्दों में क्रिएट करिए और खुद को अगर खुद के हेजिटेशन को रिमूव करना है तो जवाब दीजिए, ठीक है, वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके वीडियो, ठीक है, तो पहले आंसर का समझ में आ गया आपको, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, इंडिविजुअल क्वालिटीज आपके अंदर क्वालिटीज क्या है, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है टीचिंग से रिलेटेड, आप कितना हॉनेस्ट रहते हैं, कितना हार्ड वर्किंग है, ठीक है, कितना पैशनेट है आप टीचर को टीचिंग को लेके, ठीक है, आप नेवर गिव अप एटीट्यूड है आपके पास और इजी सोशलाइजेशन है, बच्चों के साथ अच्छे से समाजीकरण कर लेते हैं आप। वही बात करें तो आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास अच्छी है, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए बच्चों को सिखा सकते हैं, टीचिंग एड्स के जरिए सिखा सकते हैं, आप पंक्चुअल हैं, आपके पास आईसीटी कंप्यूटर का नॉलेज है, ये सारी चीजों को पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं आप। तो आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टेल अस अ लिटिल अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मतलब आप कुछ अपने बताइए, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने उनके लिए लेके आया, मैं उनके लिए लेके आया हूँ जो जिनके पास कहीं ना कहीं किसी स्कूल्स में किसी ट्यूशन में किसी बच्चे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, टीचिंग में एक्सपीरियंस है, टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन हो जाता है, तो ये बस उनके लिए है, ठीक। अगर आपके पास फ्रेशर है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपसे ये जवाब नहीं पूछा जाएगा और आप मेंशन भी मत करिएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए है, तो एक्सपीरियंस है जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं कहीं किसी केवीस में या अदर स्कूल्स में, तो उनके लिए ये जवाब है। तो उनको आपको देना कैसे, मान लीजिए मैं DSSB का कॉन्ट्रेक्चुअल या केवी का कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हूँ, ठीक है, और मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि हाँ मैंने ऑलरेडी दिल्ली के स्कूल्स केवी स्कूल्स में, ठीक है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और मेरे ऐसे अनुभव हैं बच्चों को लेके कि हर डाइवर्स लर्नर्स यहां पे रहते हैं, हर एरिया के बच्चे यहां पे पढ़ते हैं और मैं इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा को लेते हुए बच्चों की हरकतें क्या है, बच्चों के नीड्स क्या है, ठीक है, कब बच्चा कैसे सीखेगा, ये सारी चीजों को मैं अच्छे से समझ गया हूँ क्योंकि मैं इस माहौल में ऑलरेडी रह चुका हूँ और मैं बच्चों को बेहतरीन बनाने में, बच्चों को सिखाने के तरीके में अपने टीचिंग स्टाइल्स को अच्छे से प्रयोग करके, अपने अनुभव को अच्छे से प्रयोग करके मैं बच्चों की बेहतरीन कर सकता हूँ या बच्चों को अच्छा बना सकता हूँ पढ़ने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सीधी से बात है, आपके पास जो अनुभव है उसी को यूटिलाइजेशन करके आप आसानी से चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। इसका आंसर सबके पास होगा बट एक एग्जैक्ट आंसर, एक सटीक आंसर आपसे इंटरव्यूअर चाहता क्या है, इसका एक सटीक जवाब चाहिए, जो इसका कोई सटीक आंसर नहीं होता है किसी के पास, ठीक है। तो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू, अपने आइडियाज के थ्रू इन सबका जवाब देना होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला चीज, अगर जैसे मान लीजिए मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो पहली बात तो मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन के बारे में बात करूंगा कि सोर्स ऑफ ऑल, मैं अपने टीचिंग के जरिए सोर्स ऑफ ऑल, मतलब इसका मतलब है किसी बच्चे को डॉक्टर बना सकता हूं, किसी बच्चे को इंजीनियर बना सकता हूं, किसी बच्चे को IAS बना सकता हूं, मतलब किसी भी फील्ड में बच्चे को टीचिंग के थ्रू मैं अच्छा या उस फील्ड में बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूं और बना भी सकता हूं, ठीक है। ऐसा टीचर देखते हैं, कोई कितना भी बड़ा IAS हो लेकिन एक टीचर को इतना सम्मान देता है, क्यों सम्मान देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी टीचर ने ही उसको उस पदवी तक पहुंचाया है, ठीक है। टीचर का पद बहुत बड़ा होता है, एक रिस्पेक्टफुल पद होता है, ठीक है। तो मैं पहले इसको डिस्कस कर सकता हूँ पहले पॉइंट में।
दूसरा आपके फैमिली में कोई टीचर है, आपके अगल बगल या जो आपका इंस्पिरेशन है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे ग्रैंडफादर, ठीक है, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी फैमिली में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो मैं उनकी एक इंस्पिरेशन उनसे मिलता था कि बच्चों को कैसे वो ट्रीट करते थे, कैसे बच्चे उनको घेर लेते थे घर पे आते थे और बच्चे पढ़ने के लिए लड़ाई रहते थे उनके साथ, उनका आइडियाज, उनका स्टाइल ऑफ टीचिंग, उनका बोलने का तरीका, उनका कम्युनिकेशन इसके लिए इतना अच्छा था जो मुझे डेली इंस्पायर करता था, क्यों बच्चे आखिर इनके पास पढ़ना चाहते हैं, इनके अंदर अच्छी ऐसी क्वालिटीज क्या है, तो मैं अपने इस इंस्पिरेशन को वहां पे ऐड कर सकता हूं। ठीक, वही बात करता हूं तीसरी, तो आपके कोई सीनियर, आपके स्कूल टीचर कोई ऐसे हो जिस जिनसे आप प्रभावित हुए हो या इन्फ्लुएंस हुए हो तो आप उनको बता सकते हैं, या आप एक बच्चों को नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो आप जैसे उसको जैसे बनाते हैं, जैसे आप सिखाते हैं, बच्चा आगे जाके वही करता है। ठीक, अगर एक बेहतर गाइडेंस बच्चे के प्रिपरेटरी स्टेज पे शुरुआती दौर पे मिल जाता है तो बच्चा काफी अच्छा आगे चल के करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पॉइंट इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, तो अब पद वाली चीजें जो थी वो टीचर के लिए योग्य है, पद योग्य है, क्यों है उसका अलग आंसर था, इसका अलग आंसर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, नेम थ्री वर्ड्स दैट डिस्क्राइब यू। कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर्स भाई सबसे पूछ लेता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, थक जाता है वो। कभी क्या होता है लास्ट में आते आते उसके पास टाइम कम रहता है, ठीक है, उसके पास टाइम कम रहता है तो वो चाहता है कि कम शब्दों में आप जवाब दीजिए, वो क्या चाहता है कि कम शब्दों में उसको जवाब चाहिए, तो वो बोल देता है ऐसे कि टेल मी अबाउट, टेल मी थ्री या तीन ऐसे वर्ड्स बताइए जो आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें अपने बारे में बताइए जो आपको डिस्क्राइब कर दे कम शब्दों में, तो आप क्या बताएंगे उस समय, तो इसका भी कोई सटीक जवाब नहीं होता। ठीक है, तो इसका जवाब देने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा होना चाहिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए ताकि आप इस चीज का जवाब दे पाए। तो मैं जहां तक मैं बताना चाहूंगा आपको पॉइंट्स में, पहला पॉइंट, ठीक है, कि मैं एक गुड ह्यूमन बींग हूं। ठीक है, एक गुड ह्यूमन बींग बहुत मैटर करता है। ठीक है, वही बात करूं तो एक मैं एक्सपायरिंग टीचर हूं, ठीक है, और ऑलवेज रेडी टू इंप्रूव फॉर माई सेल्फ एज वेल एज टू माई लर्नर्स। बिल्कुल, मैं हमेशा तत्पर हूँ, मैं हमेशा तैयार हूँ अपने बच्चों को प्यार देने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के हर गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों को मैं खुद के अंदर तो इम्प्रूव करूंगा ही, उसके साथ साथ बच्चों को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप सो ये छोटा छोटा जवाब था जो आपको देना है, ऐसे ही चीजों को देना है और ऐसे ही इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कई सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप TVSPRT इंटरव्यू 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको जरूर जाके देखिए, वहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी, आप वहां से प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी मैंने आपको डिस्कस की, और मैं ऐसे ही रोज संडे स्पेशल या डेली लगभग कोशिश करूंगा या हर दूसरे दिन कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे चार चार पांच पांच क्वेश्चन डिस्कस कर दूं। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 8853954496, बाकी जिसको इश्यू हो वो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकता है, शिशिर यूट्यूब वाला सर्च करेंगे या यूट्यूब वाला शिशिर सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सीरियस ही कैंडिडेट्स हमारे ग्रुप में है, जो भी 12, 14, 15, 20 जो भी बच्चे हैं वो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो इधर उधर की हरकतें नहीं करेंगे, वो पढ़ने से तत्पर हैं। ठीक है, और वो उनकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही है। तो मैं ये सब सारी चीजें मैं आपके बेहतर के लिए ले आ रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ जमीन स्तर पे कि आप अपनी तैयारी ऐसे करिए, कुछ यूं करिए कि छोटी छोटी चीजों पे, अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये जवाब चल रहा होगा, सवाल चल रहा होगा कि अभी तो इंटरव्यू रिजल्ट आया नहीं, क्यों इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूं, बैठते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं, आप भी जानते हैं, जैसा कि ठीक है, आप 70% जिस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक आप उसकी प्रिपरेशन करिए, D++B चंडीगढ़ का, बिहार का, जिसका भी प्रिपरेशन करें, बट 30% आप जो है दिन का वो आपने KVS इंटरव्यू पे दीजिए, KVS के डेमो टीचिंग पे दीजिए। उस 30% में हमें करना क्या है, उस 30% में हमें, देखिए आप कोई भी पेड कोर्सेस ले लीजिए, ठीक है, आप 10,000-20,000 का ले लीजिए, आपको यही चीजें सिखाएंगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको यही बोलने का तरीका सिखाया जाएगा, आपको यही ड्रेसिंग सेंस करने का तरीका सिखाया जाएगा, आपको फॉर्मल रहने का तरीका सिखाया जाएगा, अपनी फ्लुएंसी करने है, फ्लुएंसी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए, यही सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, जमीन स्तर पर आप एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, 150-200-300 रुपए की आएगी, और उस पर अपने आस पड़ोस, अपने बच्चों, अपने घर के जो भाई बहन हैं उनको बैठ के उनके सामने बोलना सीखिए, उनके सामने डेमो टीचिंग, कक्षा 1 से 5 तक की NCERT PDFs नहीं आपके पास, मेरे से ले लीजिए। तो यही सब एक तैयारी का बेहतर तरीका है। ठीक, आप कहीं भी जाएंगे आपको यही सारी चीजें बताएंगे, 2-2, 3-3 हर चैप्टर से, हर बुक से, हर किताब से, हर कक्षा से आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, कविताएं, स्टोरीज, पोयम, ठीक है, मैथ के, EVS के
दो दो तीन तीन चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, यही होता है एक बेहतर तैयारी का जरिया, ठीक है। बाकी बड़ी बड़ी बातें तो सब कोई, छोटा यूट्यूब चैनल है आपको लगेगा कि बहस कर रहा है या ऐसा कुछ फालतू की बातें बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। जमीन स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, सच वास्तविकता यही है, आपको हर चीज जगह यही चीजें सिखाएंगी। जब आप सेल्फ स्टडी, जानते हैं कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कैसे अच्छा होता है, जब हम खुद से चीजें करते हैं तो हमें अपनी गलतियां खुद को फील होती है, हमको खुद को महसूस होती है। आप अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब तक आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करिए, तब तक अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी कर लीजिए, तब तक आप अपने व्हाइट बोर्ड खरीद के डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करिए, लिखना सीखिए। पहले दिन आपको जाएंगे ब्लैक बोर्ड पर लिखने ना, आप उल्टा टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे। अपने हेजिटेशन को रिमूव करिए, अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाइए, खुद से मिरर के सामने बनाइए, अपने भाई बहन के सामने बनाइए, यही एक बेस्ट तरीका है, ठीक है, यही एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, बाकी मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। अच्छे से अच्छी चीजों को, जो संभव हर संभव है, करंट अफेयर्स हो जाए, चाहे जो भी चीजें हैं, जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, केवीएस के कल्चर्स के बारे में, केवीएस के जो भी वहां के कल्चर्स हैं, जो भी वहां की स्कीम्स हैं, जो भी वहां की योजनाएं हैं, कैसे कक्षाएं चलती हैं, क्या क्या किताबें हैं वहां की, क्या क्या जो भी रजिस्टर्स हैं, सारी चीजें मैं आपको बता रखा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, केवीएस पीआरटी 2023 पे प्लेलिस्ट बना के, आप जरूर उस चैनल को देखिए। और मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड लाइक टू से कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, और आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने अंदर। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा हमसे मेहनत करिए, सीखिए, और थोड़ा सा खुद से मेहनत करिए और चीज़ों को ऊपर ले जाइए और चीज़ों को और अच्छा करिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल से सिर्फ पाठशाला में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।